लंदन में भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले की जांच अब एनआईए करेगी। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं ने इसे नीचे खींचा था। करीब महीने भर पहले लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया। इस मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। दरअसल इस प्रदर्शन में पाकिस्तान और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के सुराग मिले हैं। जानकारी के मुताबिक ये केस पहले काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन यानी CTCR देख रहा था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए के हाथ में दे दिया गया। जांच में अवतार सिंह खांडा, गुरचरण सिंह और जसवीर सिंह की भूमिका सामने आ रही है। कथित तौर पर खांडा के माता पिता दोनों 1990 के दशक में पंजाब में ISI प्रायोजित आतंकवादी आंदोलन का हिस्सा थे। यही नहीं, कथित तौर पर खांडा के पिता कुलवंत सिंह खुकराना नाम के एक KLF आतंकवादी थे और मां KLF नेता गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला से संबंधित थी। खांडा मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर UK सरकार से अपने और दूसरों के लिए राजनीतिक शरण चाहता है। NIA ने ताजा मामला UAP के तहत दर्ज किया है। NIA को मामला सौंपने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5वें भारत ब्रिटेन गृह मामलों के डायलॉग के दौरान लिया। इस बैठक में भारत ने UK में बढ़ते अलगाववाद और पॉलिटिकल शरण चाह रहे लोगों के खिलाफ भी बात उठाई थी। दरअसल UK सरकार चाहती थी कि लंदन में जो भारतीय दूतावास के बाहर हुआ उसे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रूप दे दे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे भारत और UK के भविष्य में रिश्ते कैसे होंगे उसका बैरोमीटर बना दिया। अब ये माना जा रहा है कि जो लोग FIR में नामजद हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया।